पहले 90 दिन की तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, अगले 9 महीने बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन चक्कर क्या है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं, शुरुआती रिजल्ट मिलता नहीं है इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं। यही शुरुआत है, जब स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग फर्स्ट मूवर होंगे पर आप फास्ट मूवर बन जाइए, वो फर्स्ट मूवर अपने आप पीछे हो जाएंगे। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसको बीट करिए, इसी पहले 90 दिन में अगले 9 महीने की तैयारी कर लेनी है। आज आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार की बात थी, एक राजा थे जो बहुत ही दयालु बहुत ही कृपालु थे और अपनी प्रजा को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वो शतरंज खेल रहे थे और उनकी प्रजा में से एक साधु उनके पास आए, बोले राजन मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, राजन मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूं। तो राजा बोले मांगो। साधु क्या चाहते हो, मांगो। बोले राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजा बोले तौहीन, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप केवल अनाज के कुछ दाने मांगेंगे, कुछ भी ले लीजिए ना आप मुझसे। साधु बोले नहीं नहीं राजन, कुछ ही अनाज के दाने चाहिए। बोले कितने चाहते हैं आप। बोले तुम्हारे इस चेसबोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना अनाज का रख दो और हर बार अगले अगले स्क्वायर में उस दाने को डबल करते चले जाओ। तो 64 स्क्वायर्स हैं आपके इस चेसबोर्ड पे और हर स्क्वायर पे इस दाने को डबल करते चले जाइए, यानी कि पहले स्क्वायर पे पहला दाना और दूसरे स्क्वायर पे दो दाने और तीसरे स्क्वायर पे चार दाने। तो जिस प्रकार मैंने आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की स्टोरी बताई, ये दूसरी स्टोरी है। और जानते हैं राजा ने बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं, साधु आप मेरे पास आए तो कुछ बड़ा मांगिए, ये थोड़े से अनाज के दाने तो आप खुद भी ले सकते थे, किसी से भी ले सकते थे। साधु बोले राजन या तो अनाज के दाने दो या मैं चला। तो राजन बोले क्षमा चाहता हूं साधु, सिपाहियों जल्दी आओ, तुरंत साधु को जितने अनाज के दाने चाहिए ये दे दो। तो उसके बाद सारे के सारे सिपाही चले गए और ठीक 5 मिनट के बाद सारे सिपाही दौड़ते हुए आए, त्राही माम, राजन बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ राजन, वो जितना अनाज मांग रहे हैं उतना अनाज तो आज तक पृथ्वी में उगा ही नहीं। क्या राजन, वो साधु बुद्धिमान है, वो जितना अनाज मांग रहा है इतना अनाज तो पृथ्वी में कभी उगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, कितना मांग रहा है तो जरा सामने देखें, ये डबल होते 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 और ये जो सामने फिगर आ रहा है ये शायद मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना अनाज उसको चाहिए था और इसका 1/4 अनाज भी 10 माउंट एवरेस्ट को कवर करने के लिए काफी है। ओहो, मैं तो कब से बता रहा हूं शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, इसीलिए व्यक्ति डीमोटिवेट होकर छोड़ देता है। मैं कब से कह रहा हूं आपसे, पहले 90 दिन अगले 9 महीने बहुत ताकत दे देंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं एक पावरफुल फॉर्मूला लाऊं जो इंप्लीमेंट करना आसान हो जाए, जिसको मैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट कर सकूं। ध्यान रखिएगा, शुरुआती छोटे रिजल्ट से कभी डीमोटिवेट नहीं होना, शुरुआती छोटे रिजल्ट से कभी डीमोटिवेट नहीं होना। ये शुरुआती रिजल्ट क्योंकि छोटा होता है इसलिए आप इसको छोड़ देते हैं, छोटे को छोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये आगे चल के कई गुना बढ़ने वाला।